अरे मेरी माँ घर के चिथड़े उड़ाएगी क्या? ये क्या कर रही है? बेटा ये क्या लगा रखा है? सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे डैड, आपके लिए चिकन बना रही हूँ। बेटा कायदे से चिकन में से बदबू नहीं आनी चाहिए। आई थिंक देयर समथिंग गॉन रॉन्ग समवेयर। नो डैड, इज द स्मेल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रेड ऑन सम बर्निंग चिकन। फायर एक्सटिंग्विशर? यस डैड। कम ऑन। आई किडिंग, तूने मुर्गे को आग कैसे लगा दी बेटा? नो डैड, आई एम अ वुमन ऑफ टुडे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुर्गे को आग लगा सकती है? कुछ भी डैड। किडिंग? क्या? अरे भाई क्या है? अरे नहीं बेटा, ये मुझे प्रैंक कर, मैं नहीं कर सकता भाई। अरे बेटा शोल्डर की तो है। हड्डियों में दम नहीं रहा भाई, ये नाच गाना आप हमारे बस की बात रही नहीं। What are you talking about, Dad? अब भी आप में वही बात है, काश माँ आपको डांस करते हुए देख सकती। तेरी माँ ने तो सारी उम्र मुझे नचाया है, अब क्या देखेगी? Dad, Valentine's Day है आज। आज के दिन ये सारी बातें मैं। Valentine's Day? यार यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी जनरेशन की, कुछ पता भी है? Nothing romantic happened on the 14th of February. Really? Yes. In fact, एक saint था. Really? Yeah, Saint Valentine. उसको आज के दिन सूली पे चढ़ाया गया था. That's why it's called Valentine's Day. And secondly, Chicago. No, you have to listen to this. This is very interesting. Come on, come on. उस शिकागो में जो वॉर शुरू हुई ना माफिया. अच्छा? तो Al Capone के गैंग ने Bugs Moran के गैंग को गोलियों से भून दिया था. Yes, it was the bloodiest gunfight in the history of mafia. Really? Yes, and that's why it's also called Valentine's Day Massacre. Where is the romance in all this? Dad, I swear to God, आपका ये history channel मैं बंद करवा दूँगी. You are turning so boring. Sorry, yeah, sorry. चल. अच्छा हाँ, मैंने दीपक को phone किया था. और मैंने उसको बोल दिया है कि तुझे direct flight नहीं मिली Boston की. So I booked you via New York. और आपकी टिकट? मेरी टिकट? क्या मतलब? मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा रही हूँ। You are coming with me to the States. Hey, hey, listen. मतलब? I have a life here. No, Dad. You have no life here. You need supervision. आपके सारे मवाली दोस्त आपको बिगाड़ रहे हैं। सुबह 7 बजे आप सब लोग मिलेंगे वो गार्डन में हंसते हुए, और शाम को 7:30 बजे मिलेंगे 2.25 पेग लगाकर वाचिंग अ ब्लडी चीता हंट अ बफेलो। दैट्स नो लाइफ। ये मेरी जिंदगी है एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट। डैड, यू नीड अ कंपेनियन। ओह नो 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 नो, वी आर नॉट हैविंग दिस कन्वर्सेशन अगेन। एक तो ये डेटिंग शेटिंग मुझसे होती नहीं, अगर होती भी तो मैं अपने रिश्ते तुमसे नहीं मंगवाता। Too late, Dad. मैंने आपका रिश्ता तय कर दिया है। हा? अब सिर्फ बाकी है तो पितादान। So now quickly go and change and get ready. Hey, listen, but no if, no buts, period. This is दादागिरी। Yeah, come on. This is embarrassing. Dad, आप BMC के क्लर्क नहीं है, एक eligible bachelor है। Please look a little debonair. Open the top button. यार ये सब तुम अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं करती? उसको तो पसंद भी है ना, सजना सवरना लिपस्टिक वगैरह। जितना कहा जाए उतना कीजिए। Today is a start of a new day, new life. Smile please. Smile please. Dad, she's your. Go open the door. You open the door. No, Dad.
You open the door. Your girlfriend, your house. Open the door. And no History Channel. My girlfriend? Kamal hai yaar. तो मोती झील में शामें बीतती थी हमारी, क्या मजा आता था। Dad. अरे बेटा आ, ये मेरी बिटिया है भाई, ये अमेरिका में डॉक्टरी कर रही। बेटा ये सल्ला है, मालती है, अंजू है और ये बीमा बेचती है। और अंजू तो अब इसी सुन कानपुर BHU में। कब थी आप? What the hell is all this? But you told me to open the door, na? Ladies, यहाँ पे एक औरत की छाप ऑलरेडी है, कहीं और जाके खून चूसो। But ma'am, अगर मेरे डैड को तंग किया ना, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी। Oh yeah. Bye. Oh yeah. Mm-hmm. Oh yeah. Nice ladies. Hmm. बेटा मैंने 3 साल पहले जिम की मेंबरशिप ली थी। वहां मैं 3 दिन भी नहीं गया 3 साल में। हर साल क्विट करना चाहता हूँ तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं कि नहीं सर, यू बिकम अ फैमिली नाउ, अपनी सेहत का ख्याल रखो वगैरह वगैरह। तो तू मेरे साथ वहां चलेगी? डैड, यू नीड टू बी स्टर्न। स्टर्न It's not that, baby. It's just ये दुनिया इतनी बदल कब गई पता ही नहीं चला। पहले कभी कुछ 19-20 हो भी जाता था तो your mom was always there. वो संभाल लेती थी, मुझे तो कभी कुछ करना ही नहीं पड़ा। It's not that, Dad. वो ही तो फिर स्टार्ट करना है। क्या कह देते हैं, वो ही स्टार्ट करते हैं। She's here. तुम? Hi, Mom. What is she doing here? New start. You know something? This is by far the most stupid idea you've ever had. आखिर बेटी किसकी हूँ? बेटा, this is not called for. फैसले किए जा चुके हैं and they cannot be reversed now. ये फैसला रिवर्स होगा. You all are meant to be together. There are no ifs, there are no buts. यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कभी तेरी लव लाइफ में टांग अड़ाई है? You chased my first boyfriend down the lane with the shovel. फावड़ा फेंक के मारा था आपने उससे। अरे वो तो बहुत ही नालायक लड़का था, so I chased him away from you. अब मेरी बारी। 8 साल की थी मैं जब आप दोनों अलग हो गए। मेरा वोट लेना भी जरूरी था। मुझसे नहीं पूछा गया था when you all got separated. See, democracy is the most flawed system. It has been proven since the French Revolution. When Dad, History Channel blocked. इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ हाँ, गलती तो सब मेरी ही थी। Of course तुम्हारी थी। तुम घर छोड़ के गई थी without any damn reason. Enough. We are discussing my sad life here, not yours. हर आर्ग्यूमेंट घुमा फिरा के अपनी ओर खींच लेते हैं। This is a story so far. आप दोनों मिले, आप दोनों प्यार कर बैठे, भाग के शादी भी कर ली, ये घर बसाया, मुझ जैसी अफलातून बेटी को जन्म दिया। एंड वन फाइन डे यू ऑल बोथ गो सेपरेट वेज बिना सोचे कि मेरा क्या। मेरा तो छोड़ो, आप दोनों का क्या? यू ऑल बोथ हैव बीन मिजरेबल एवर सिंस देन। बेटा, यू आर मेकिंग टू मच ऑफ दिस। अब सुलह का समय बीत गया है एंड वी बोथ मूव्ड ऑन। कट इट आउट मॉम। थप्पी भर के मेल्स हैं आपके मेरे पास, कभी रोते हुए कभी कूदते हुए। 2% का बैंक अकाउंट आप संभाल नहीं सकती, ATM का पिन भी भूल जाती हो। And you laughing boy, 3 साल से कितनी जिमिंग की है? कल मैं जा रही हूँ,
If you all want me to be a part of your life, then you all both have to live together. If not as man and wife, then as roommates. With just one simple solution in mind, कि एक दूसरे की problems आप solve करोगे. एक साथ जी नहीं सके, कम से कम एक साथ मरना. Hold each other. Be with each other. You all are made for each other. No one in the world knows you all better than each other. Think about it. We'll talk about it later. Dad. So, where are we going? Dinner, Mom. मैंने प्लान किया है. वैसे तेरे डैड ने जिम जाना कब शुरू किया? He looks really fit. हफ्ते में 3 बार जाते हैं. Do I look older than him? No, Mom. You look smoking hot. ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो. Sorry, Mom. But seriously, you look very good. अच्छा एक बात बता. बोलो. नहीं रहने दे. मॉम बोलो. जब मैं आ रही थी तो 3 औरतें जा रही थी. वो कौन थी? वो उसे डैड की जिम आंटी है. आई मीन दोस्त हैं डैड की जिम से. अंजू आंटी तो कानपुर से ही है. BHU में ही पढ़ी है शायद. ओके चलो डिनर इट इज. I'll check on that. Good going with the button, Dad. Uh-huh, eligible bachelor room, bhai. Don't you take me lightly. Boy, I don't know about you. But ye hotel to kahin se nahi dikh raha. Apne ghar ka lawn hi hai. Acha. I'm really impressed. Thank you, Mom. ये सब मैंने बनाया है. मैंने और भी कुछ आपके लिए बनाया है. क्या? कभी नहीं मानती. बिल्कुल माँ पर कही है. But I guess that is why I love them. I'm so proud of this girl. जिंदगी में कुछ तो ठीक किया मैंने. हमने. जिंदगी गुजार दी इस जगह पर. और मिला क्या? शायद अभी भी वक्त है. पर ये पहला कदम मेरा नहीं बनता. I am Pariniti. You both named me Pariniti. It was because I'm half of Paritosh, half of Niyati. Half your goods and half your bads. Half your joys and all your sorrows. I want you to know that I love you as much as you loved each other once upon a time. Lekin ab उस वंस अपॉन अ टाइम को आप भूल चुके हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू. थैंक यू. क्यों? परिणीति में दोस्ती कराने के लिए.
तुझे मालूम बेटा आजकल हिस्ट्री चैनल इज अवेलेबल इन लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस. सो इज प्लेग्राउंड डिजिटल सिनेमा. वो क्या है? द चैनल वेयर आई विल फाइंड यू द कंपेनियन. आई डोंट नीड अ कंपेनियन प्लीज. यू विल डू व्हाट आई टेल यू टू एंड यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लेग्राउंड डिजिटल सिनेमा. हाँ भाई कर देना वरना बहुत गुस्से वाली है. आखिर बेटी किसकी हूँ? मेरी.